पिछले कई दिनों से सरकार से स्थायी करने की मांग कर रहे पॉलिटेक्निक के एकेडमिक स्टाफ का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। उनका कहना है कि वो कई सालों से सरकार से एकेडमिक स्टाफ की रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा, इसलिए उन्हें मजबूर होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। काफ़ी सालों से दशकों से काम कर रहे हैं और हमने बार बार रिप्रेजेंटेशन दी गवर्नमेंट को, सक्सेसिव गवर्नमेंट से हमें रिप्लाइज नहीं किया, इसलिए हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं और अपील करते हैं सीएम साहिबा से कि हमें जल्द से जल्द पॉलिसी बना के रिप्लाइज करें। ये जिस तरह गवर्नमेंट कहती है कि डिजिटल इंडिया बनाना है, डिजिटल स्टेट बनानी है, इंजीनियर्स को रोड पर बिठा के डिजिटल इंडिया और डिजिटल स्टेट नहीं बन सकती है। जिस तरह गवर्नमेंट कहती है कि गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस ये नहीं होती है कि सालों साल इंजीनियर्स के करियर्स को, एकेडमिक अरेंजमेंट्स जो हैं पॉलिटेक्निक्स के, उनके करियर्स को बुचर किया गया, उनको रोंद के रख दिया गया, उनको रेगुलाइज नहीं किया गया, स्लॉटर कर दिया गया, हमारा करियर तबाह करके रख दिया गवर्नमेंट ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट से हमारा करियर 28 साल तक एक एकेडमिक अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? एकेडमिक अरेंजमेंट एक सेशन के लिए हो सकता है, 6 मंथ्स के लिए हो सकता है, 1 ईयर के लिए हो सकता है। इन्होंने 28 28 25 25 साल तक एक फ्रॉड करके हमें एकेडमिक अरेंजमेंट का टैग हमारे ऊपर लगा के रखा।